सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट माँ का लाडला और सबका चहेता प्रिंस अली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नवाज शरीफ पार्क में, और नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ पानी पानी हो चुका है, और हमने इसके लिए और इसके फ़ायदे और पानी के नुकसान के लिए बड़े ही मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट जनाब जोया साहब को बुलाया है। नाज़रीन, हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। ठंडा पानी। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हनीफ जो है एनवायरमेंटलिस्ट, जिन्होंने अपनी PhD पता नहीं कहाँ से की है मगर की हुई है। आइए जान नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं। जी जोया साहब, अस्सलाम वालेकुम। छड़ सारियां गल्लां यार, मेरे 5 रुपए देगे ने बीच तू गल्लां करदा है एनवायरमेंटलिस्ट दियां। मैं जोया साहब, इतने पैसे गिर गए आपके? बस यार, तैनू की पता है पैसे दे करदा तुसी की जाने मेड़ लोके। वालेकुम सलाम। उस तो बाद मैं तेन गल दसागा इनवायरमेंटलिस्ट मैं तो है वहाँ तो जो डिग्री तो गल की और डिग्री मैं बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी तो ली है। जी जोया साहब, आप बताएं हमें पानी के नुकसान और फायदे। फायदे ये ने कि तुम इस नहा सकते हो, इस स्विमिंग सीख सकते हो। उस तो बाद नुकसान बड़े डाडे ने यार, बंदे पैसे बच्चे गवा जाते हैं। उस तो बाद दही लैन जाओ तो दही ने थानू सही लबन लगा, बिच पानी पै जी, बारिश पै जी। साहब, ये दही के बारे में क्या लॉजिक है आपका? जी सादी जी गल है यार, तुम दही लैन जाओ कभी पैर नहीं बजता, कभी पैर नहीं बजता, और दही तो रहा कौन लस्सी बन जाती है, और लस्सी तो फिर की करना। उस तो बाद एक और नुकसान है कि थले तो जीप जे सह नहीं लै सकते हैं, थले जीप समझ गया जी। आप कैसे कह सकते हैं नीचे वाले जीप सांस नहीं ले सकते? जैसा कि तेरे वाले कछुक में जो बिच वड़ जाना उन्होंने को सह लिया जाता, तुम दहाक लिया। समझ गया ना तुम, अब समझ लगे हो ना। नाज़रीन, इनकी ये बात सुनने के बाद मैं तमाम नाज़रीन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने इनकी PhD पे शक किया, जो जो ऐसा मुझे माफ़ कर दे। Bali।